फ्रेंड्स वेलकम टू माय किचन हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक पानी प्लेन पानी है अब हम इसमें डालेंगे सौ ग्राम पास्ता मैं फैच्यू चीनी पास्ता इस्तेमाल कर रही हूँ इसको हम बॉयल करेंगे पर इसको हमें पूरा पकाना है तो इसे उबलने देते हैं तब तक हम दूसरी तैयारियाँ कर लेते हैं इसमें मैंने लिए हैं दो टेबल स्पून बादाम इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे भून लेंगे बादाम को सूखे में तो जहाँ तक पास्ता बॉयल हो रहा है वहाँ पे बादाम को लो गैस पे मैं भून रही हूँ भूनिएगा ज़रूर बादाम को अच्छा टेस्ट आएगा सॉस बना लेते हैं सनराइज टोमेटोज में इस्तेमाल कर रही हूँ 280 ग्राम है 280 ग्राम में ये ऑयल के साथ बॉटल मिलती है 280 ग्राम ये देखें आप चाहें तो ये सॉस बना के आधी फ्रीज भी कर सकते हैं और आधी पास्ता में इस्तेमाल करें इसमें डालेंगे आधा छोड़ा चम्मच ऑर्गेनो और, और आधा छोड़ा चम्मच पेपरिका पेपरिका नहीं है तो लाल मिर्च डाल दें अब हम इसमें डालेंगे आधा कप बेजल लीज तुलसी के पत्ते दो टेबल स्पून भुनी हुई बादाम, रोस्टेड आलमंड्स अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक या हज जायका नमक डाल देते हैं पहले फिर हम इसे ब्लेंड करेंगे तो अब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं और इसका सॉस बना लेते हैं तो ये आराम से ब्लेंड हो जाएगी क्योंकि टमाटर नरम भी होते हैं सन ड्राइड टमाटो और उसमें तेल भी अच्छा खासा होता है तो ये हमारी सॉस तैयार है अब चलते हैं पकाने की तरफ तो एक पैन लेंगे इसमें हम डालेंगे एक टेबल स्पून ओलिव ऑयल एक टेबल स्पून ओलिव ऑयल डाल दिए अब हम जो पेस्ट हमने बनाई है मैं आधी इस्तेमाल कर रही हूँ आधी मैं फ्रीज़ कर दूँगी क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रही है ये तो ये पेस्टो सॉस ये टमेटोज़ वाली सॉस सन राइड टमेटोज वाली साठ को दो मिनट पका लें बस इसे दो मिनट ही पकाना है इससे ज़्यादा नहीं अब जो हमारा पास्ता उबल रहा है ये थोड़े से पानी के साथ हम इसमें डाल देंगे तो इसमें एक जो था एक कप पानी था पास्ता में तो उसके साथ मैंने इसमें डाल दिया है ताकि सॉस अच्छे से पास्ता के साथ मिल जाए अगर आपके पास्ता में पानी नहीं बचता है तो आप प्लेन पानी भी डाल सकते हैं तब हम इसको इतना पकाएंगे ये सूखा ड्राई हो जाए और सॉस पास्ता को आराम से कवर कर ले तो थोड़ा ऐसे पका लेते हैं एक से दो मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे तो ये देखें हमारा पास्ता ड्राई हो गया है सॉस पूरी कंबाइन हो गई है पास्ता के साथ तो ये तैयार है अब हम इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं ऊपर दो बेजल थोड़ा नमक डाल रही हूँ चुटकी कम लग रहा था हसबे जायका नमक तो ऊपर मैंने दो बेजल ही डाल दिए हैं thank you for watching please like share comment subscribe your views matters a lot